से पता नहीं है कि लड़कियों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। अच्छा लो आ गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने मैडम जी से सुना कि राम अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजता। ये बात आपने ठीक सुनी है, लेकिन मैंने सुना है रामू अपनी पत्नी का गर्भपात करवा रहा है। अच्छा उसे पता नहीं कि गर्भपात कराना कानूनी जुर्म है? क्या पता उस शराबी का। लो इस माँ से ही बात कर लो। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते प्रधान जी। मैंने सुना है कि आप अपनी लड़की की शादी करवा रहे हैं। हाँ प्रधान जी मैंने भी सुना है कि आपके गांव का रामू अपनी लड़की की शादी करवा रहा है। क्या उसे पता नहीं है कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी करना कानूनी जुर्म है? क्या पता उस शराबी का, वो क्या क्या करता रहता है। चलो हम रामू की माँ जी से पूछ लेते हैं। चलो चलो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने सुना कि रामू अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजता। मैं बथेरा समझाया, मैं कैसे पूछ रहा है चौला। मैंने सुना है रामू अपनी पत्नी का गर्भपात करवा रहा है। मैं बथेरा समझाया, मैं कैसे पूछ रहा है चौला। क्या प्रभु को नहीं समझाती। मैं बथेरा समझाया, बंदा नहीं आ हाँ बोला ये रहा सुख जो तुम जो दे रहा है कि जो मिले चाहिए। ठीक है बाजी अब हम चलते हैं। ठीक है नाचो ओ नाचो। बच्चा तू ना छोटे छोटे बाल का ख्याल रखा। हम जाइए अस्पताल आ जो देखिए हम जी सब बाल किया जो पतंग जी सब के आ लूना। अच्छा मई कचरी और कचरी बोल दो अम्मा जी। बच्चा तू ना छोटे माल ना जो कहाँ पानी दे हम जाइए अस्पताल आ जो। अच्छा अम्मा जी। देता नहीं देवा सारा दिन कमाओ संजय दस रात ये ते मार खाओ।
अच्छा ऐसी बात है, ले चलो रामू को थाने। आमंत्रित मुख्य अतिथि जी, स्थानीय विद्यालय के आचार्य वृंद, बच्चे तथा बाहर से आए हुए अभिभावक भैया व बहने, यहाँ के स्थानीय सभी वृंदगण, आज इससे पहले कि मैं कुछ बोलना शुरू करूं, एक छोटा सा वृतांत आपके सामने रखना चाहता हूं।
हम समाज से प्रेम किस समय प्राप्त करते हैं? जब हम भी दूसरों के लिए प्रेम बांटते हैं। इसका एक वृतांत है कि किसी समय में बाहर एकांत में तीन भद्र पुरुष अपने अपने काम में लगे हुए थे। पहला वृतांत है जितेंद्रिया महात्मा का, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखा हुआ था। दूसरा साधु वृत्ति का था और तीसरा व्यक्ति आचार्य वृंद था, जो समाज में जाकर के भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श या उनको ज्ञान भरी बातें वार्ताएं दिया करता था। तीनों अपनी भक्ति में लगे हुए थे। कृपया निवेदन करूंगा कि थोड़ा बातें कम करें, अब सुन लें, थोड़ा बाद में बातें कर लेना। तो जो जितेंद्रिया था वो अपने ध्यान में मगन बाहर तीनों के पास घर झोंपड़ी कुछ नहीं था। क्या किया उसने? अपने ज्ञान में मगन, अपनी तपस्या में लीन डटा हुआ था। आज जैसा मौसम बना है ऐसा मौसम नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी। खुले मैदान में तीनों के अपने अपने स्थानों पर अपने कार्यों में लगे हुए थे। दूसरा व्यक्ति जो सन्यासी था वो राम रटन में लगा हुआ था और तीसरा जो था वो घूम घूम करके सभी को शिक्षाएं प्रदान कर रहा था। अंत में मौसम बिगड़ा, जैसा आज बार बार हो रहा था। फिर क्या हुआ? मूसलाधार वर्षा लगी, घर झोंपड़ा तो था नहीं, तीनों भीगने लगे। समय बीता, दिन बीते, आखिर में तीनों के शरीर जो थे वो मानव शरीर थे और उसमें ठंडक आनी आरंभ हुई, शीत आना आरंभ हुआ और असह्य हो गया, मतलब सहा ना जाए। अब कोई ते हुए इधर उधर देखने लगे कि हम कहां जा करके अपने शरीर को बचाएं। पहाड़ों में या जंगलों में कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर गुफाएं बनी होती हैं। तो जितेंद्रिया जो था सबसे पहले ढूंढता एक गुफा के पास चला गया, परंतु वो गुफा केवल एक ही आदमी के लिए थी। वो जाकर के उस गुफा के अंदर लेट गया। इतने में घूमता हुआ वो दूसरा सन्यासी भी उनके पास पहुंच जाता है। तो उस लेटे हुए जितेंद्रिया व्यक्ति ने उसे कहा कि भाई तुम भी मेरे पास आ जाओ, मैं लेटा हूं, अगर मैं बैठ जाऊंगा तो हम दो इसके अंदर समा सकते हैं, बड़े आराम से रह सकते हैं। ठीक है, वो भी अंदर चला गया, दोनों बैठ गए। इतने में तीसरा आदमी भी दौड़ रहा था, उसको भी सर्दी लगी हुई थी, शरीर कांप रहा था। तो उसने क्या किया, वो जाते जाते वो भी उनके पास
पहुंच गया जा करके। अंदर बैठे हुए दोनों ने देखा कि ये व्यक्ति जो आया, देखो भाई इसको भी संभालो, इसको भी अपने पास बुला लो। क्यों? कि अगर हम दोनों खड़े हो जाएंगे तो तीसरा भी हमारे में खड़ा होकर के रह सकता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब उसको उन्होंने बुला लिया, दो जो अंदर बैठे हुए थे उस तीसरे को भी बुलाया, बैठाया, भाई खड़े हो जाओ। अब तीनों खड़े होकर के तीनों उसमें शामिल हो गए, तीनों उस हमारी भाषा में उसको गुफा कहते हैं या द्वार कहते हैं, तो ऐसे तीनों जो हैं वो उसमें खड़े हो गए तीनों, परंतु अपने काम में लगे रहे। उन्होंने अपना जो काम था वो नहीं छोड़ा, जो राम भजन करने वाले थे वो राम भजन ही करते रहे। भगवान ईश्वर ने देखा, देखो ये लोग इतनी कठिनाई में, इतनी सर्दी में शरीर कांप रहा है, और यहाँ तंग भूमि में आकर के ये देखो तीनों फिर भी अपने काम में डटे हुए हैं, ये भी बड़े उसके। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने भी वैसा ही चोला, वैसा ही शरीर धारण करके वो भी वहां पर पहुंच कर के, भाई मुझे भी अंदर आने दो। तो जितेंद्रिया जो अंदर जो बैठे हुए थे तीनों व्यक्ति, जितेंद्रिया ने कहा के भाई देखिए, अगर हम तीनों थोड़े और सिकुड़ जाएं तो चौथा भी हमारे साथ खड़ा हो सकता है। इस तरह से वो सारे, उन्होंने उसको भी कहा कि आ जाओ अंदर आ जाओ। तो चौथा आदमी भी वहां पर उनके साथ मिलकर के खड़ा हो गया। और इस तरह से जितेंद्रिया या दूसरे दोनों व्यक्तियों, तीनों व्यक्तियों ने उसको प्रेम से अंदर समाने के बाद फिर भगवान ने सोचा कि देखो ये तीनों ही अपने ध्येय में कैसे लगे हुए हैं, यानी एक दूसरे को प्रेम भाव से अंदर समा रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं, भले उनको कठिनाई हो रही है, कोई खड़ा है, कोई कुछ किसी को चक्कर आ रहा होगा, तो फिर भी वो उसको समाने के लिए तैयार हैं कि भाई आप भी अंदर आ जाओ, तो बड़े अच्छे पुरुष हैं। तो इस प्रकार के लोग हमारे समाज में भी रहते हैं और हैं, जो कि दूसरों से प्रेम भाव, दूसरों की विपत्तियों में उनका साथ देना, ये अपना मूल कर्म समझते हैं। ध्येय रहना चाहिए। जैसे हमारे बीच में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हिस्से का दान करके समाज के लिए कुछ दिया है, ये बड़ा भारी सत्य कर्म है। और कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास किसी चीज का अभाव है तो वो क्या करते हैं कि हम सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से इस समाज को हमने सुसर गठित करना है और इसके आगे इन उद्देश्यों को रख करके आगे चलना है। यही इन विद्यालयों में, सरस्वती विद्यालयों में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। भले हमें कोई कुछ कहे, भले हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, भले हम कई प्रकार की बातें अपने लिए सुनते रहें और सुनते हैं, परंतु फिर भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक सामाजिक उदाहरण था। अब मैं विद्यालय के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के सहयोग का धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर मुख्य अतिथि महोदय, जो कि अपने सरस्वती विद्या मंदिर, कन्या
सरस्वती विद्या मंदिर निहाल से आए हैं, उन्होंने अपने विद्यालय का कार्य छोड़ करके यहाँ पर आने का कष्ट किया है। तो मैं अपने विद्यालय की तरफ से, अपनी प्रबंधक समिति की तरफ से और बच्चों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आप हमारे लिए कुछ समय दिया है, जिसका हम और कुछ बातें इन्होंने हमारे सामने रखी हैं जिनका हम अनुसरण करेंगे। अब वास्तव में हम अपनी जो स्थानीय जनता है उसका धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और शायद हम उनके उस सहयोग के लिए कुछ ना दे सके हों। विद्यालय बच्चा हमारे पास 3-3.5 वर्ष के बाद पहुंचता है, आता है और विद्या भारती यानी हिमाचल शिक्षा समिति जिससे संबंधित है वो एक विशेष प्रकार का मार्ग प्रवेश के बाद उस बच्चे को सुधारने, उसको तराशने में एक कार्यक्रम हमेशा बताता रहता है और उस कार्यक्रम के अधीन ही हमारे ये सरस्वती विद्या मंदिर हमारे हिमाचल प्रांत में चल रहे हैं। तो ऐसा ना माता पिता और घर ये बच्चे के लिए वातावरण तैयार करता है। अगर विद्यालय में ऐसे हम बच्चे को भेज दें और घर का वातावरण जो है हमारा वो कुछ अन्य प्रकार का हो तो भी हमारा ये शिक्षा का कार्यक्रम है ये ठीक ढंग से नहीं चलता है, क्योंकि भारत आज़ाद है, 62 वर्ष हो चुके हैं, परंतु हम अपने कर्तव्य अपने फर्ज जो हैं हमारे उनको नहीं अपना सके हैं। हम चाहते हैं दूसरों से वो करे हमारा काम, उसकी आलोचना भी करेंगे, ले भी रहे हैं कुछ उससे और उसकी आलोचना भी हो रही है। तो ठीक है आलोचना करनी चाहिए परंतु सार्थक हो, अच्छी हो आलोचना किसी की, यानी यूं ही हम किसी के बारे में कुछ बोलते रहें वो शोभायमान नहीं होता है, शोभा नहीं देता है। हमें उतनी आलोचना करनी चाहिए जिसके लिए हम सहयोग दे रहे हों, किसी कार्य को करने में हम जितना सहयोग देते हैं उतनी ही आलोचना हमें भी कर देनी चाहिए, परंतु सीमा के बाहर नहीं सीमा के अंदर। माताएं घर में ये निवेदन रहेगा कि घर में बच्चों को सही वातावरण दें। कैसा वातावरण? खान पान साधारण हो। ये दुकान की ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपने बच्चों को परोस देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, तली हुई चीज़ें खिलाते हैं, इससे हमारे बच्चों में जो विकार पैदा होते हैं उससे आगे चल करके हमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो माताओं का ये कर्तव्य बन जाता है कि जिस प्रकार से विद्या भारती ने, हिमाचल शिक्षा समिति ने हमारे अर्ध अवकाश के समय कच्ची छुट्टी बुलाई है, उस समय भोजन का एक कार्यक्रम रखा है, घर से बच्चा भोजन लाएगा, विद्यालय में बैठ करके सब चीज़ें जो हैं वो बैठ करके सामूहिक रूप से वहाँ पर उनका प्रयोग करेगा या खाएगा उनको। तो अब घर में दूसरी चीज़ आती है, बच्चों के लिए सफाई का ध्यान रखवाना,
अच्छे कपड़े पहन करके बच्चे विद्यालय में जाएं, नल्हा करके उनको विद्यालय में भेजें, जिससे क्या परिणाम निकलेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा और जहाँ के वातावरण के अनुसार उसका जो चरित्र है वो भी निर्माण होगा। तीसरी बात है कि हम मीठी वाणी वहाँ पर जाकर के बच्चों के साथ भी सम्मान पूर्वक बात करें, ओए मैं तू ये बातें ना हो परंतु क्या कहें उनको, आओ जी बैठो जी, अगर ऐसा नहीं कर जी नहीं लगा सकते तो कम से कम बच्चे का नाम लेकर के उसको पुकारा जाए। हम क्या करते हैं कि बड़े जोर से ना बोला जाए, बच्चों को भी धीमे बात करने की आदत डाली जाए। ये कुछ गुण जो हैं अगर हम समाज में अपने विद्यालय के बच्चों में डालेंगे तो विद्यालय में जाकर के वो कुछ और सीखेगा और एक सभ्य नागरिक बनने के बाद वो समाज का उपयोगी पुरुष होगा या उपयोगी बच्चा होगा। क्योंकि हमारे भारत में अब बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी हैं, हमें अपने रूप में यानी व्यक्तिगत रूप से और समाज के रूप से हमें सारे वातावरण को देखना पड़ता है। हमारे भारत के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर कई प्रकार के आक्षेप लग रहे हैं, हमारी संस्कृति को बदलने के लिए कई प्रकार के ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिससे हमारा समाज बिगड़े, हमारे लोगों की आदतें बिगड़ जाएं। और सबसे पहली बात मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, और वो गंगा नदी गौमुख से निकलती है जहां से उसका उद्गम है। लोग हैरान है, दुनिया हैरान है कि ये गंगा नदी कैसी नदी है जिसका जल कभी खराब ही नहीं होता है। तो हाँ, उसका ध्यान करने के लिए एक विद्वान भारत आया, उसने इसके बारे में शोध किया कि क्या गुण है गंगा नदी में कि इसका जल जो है हमेशा ही शुद्ध रहता है। अब देखिए इसको बदलने के लिए क्या कुछ हुआ है, क्यों इसका जल जो है गंदा नहीं होता है। फ्राज नाम का एक तत्व है जो कि पानी में घुल करके इसकी जो खराब होने की शक्ति है उसको नष्ट कर देता है। इसका अर्थ हुआ टीरी बांध लगाया गया, अब वो सारी गंगा नदी गौमुखी से निकलने वाली जो गंगा नदी है वो उस टीरी बांध के पानी में मिल गई। तो इससे पहले मैं एक दृष्टांत छोटा सा और दूं आपको, तो आप पूछेंगे कि जी ये फ्राज नामक ये धातु क्या है। ये वो धातु है जो जड़ी बूटियों का रस, हिमालय के बीच में जड़ी बूटियां हैं उनका रस निकल करके जब उस पानी में मिलता है तो उससे ये शक्ति पैदा होती है कि खराब पानी को भी वो शुद्ध कर देती है। तो इस प्रकार से अब आपने शायद सुना होगा कि हिमालय में इस प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं कि ये बर्फ जो है इसको पिघल जाए और ये हिमालय के ऊपर पड़ा हुआ बर्फ जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से हमारी और तुम्हारी संस्कृति में भी ऐसे विकार देने के लिए बाहर की जो शक्तियां हैं वो कई प्रकार के
प्रचार और प्रसार कर रही हैं, कई साधन इसके लिए जोड़ तोड़ करके हमारे भारत में भेज रहे हैं, जिसका उदाहरण आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेगा कि हमारा पहरावा, हमारे बच्चों का पहरावा कैसा हो गया, उनका खान पान कैसा हो गया, उनके जो क्लब हैं, क्लब जानते होंगे आप, उन्होंने क्लब बना रखे हैं जिसमें कई प्रकार की बुराइयों का मूल वहीं पर प्राप्त हो रहा है। तो मैं, क्योंकि मैंने बहुत समय ले लिया है, कुछ अच्छाइयाँ जो ये बातें हैं, माताएं ये ध्यान रखें कि जिनके बच्चे विद्यालयों में आ रहे हैं वो बच्चों को अच्छा बोलना, अच्छा खिलाना और अच्छी तरह से मेहनत बन करके कार्य करना ये सिखाएं, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। अगले वर्ष अगर जीते रहे तो फिर आपके दर्शन करेंगे। धन्यवाद। स्वर्ग से बढ़कर देश है हमारा, स्वर्ग से बढ़कर इसकी शान निराली है, इसके लिए करते अर्पित अपना तन मन धन है। अब मैं मंच पर आने वाली है, जो अभी एक बढ़िया है, हम कनिष्ठ भाई है, भारतवासी भाई भाई प्रेम से देश सुनाते हैं, वेद का सुनाकर सारे अमन चैन फहराते हैं, प्रेम की बसी बढ़ती घर घर दुख दर्द मिटाने वाली है, जाति एक बचिया है, हम सब इसके माली है, नृत्य इसके देखने वाले वाह विवाह कर जाते हैं, रामल और लाल किला इसकी शान बढ़ाते हैं, होली सबके मन को भाती कभी की दिवाली है, जाति एक बचिया है, हम सब इसके माली है, जय हिंद जय मेरी खो कितने जिंदगी ने करार,
होती है और इसमें दो बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ तो उनके नाम है जतिन कौंडल। 1000 रुपए की छात्रवृत्ति इनको आई हुई है। प्राथमिक में 600 रुपए होता है और जब प्राथमिक से आगे निकल जाते हैं तो 1000 होता है, तो इन्होंने क्वालिफाई किया था इसलिए इनको 1000 रुपए की छात्रवृत्ति। 1000 रुपए इनके घर से जो भी कोई आया हो वो यहाँ पर आ सकता है। ये नवोदय विद्यालय में इनका चयन। धन्यवाद किया है शिशु का प्रश्न मंच, साइंस प्रश्न मंच। कहाँ है वो? तीनों आओ जल्दी, तीनों जल्दी जल्दी अपना अपना। आगे के लिए आप बाल में हो जाएंगे। दौड़ में द्वितीय 400 मीटर के प्रथम है। अंकिता 200 मीटर दौड़ में प्रथम आई है। प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ संकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ और शील्ड ली हुई है प्राप्त किए हुए अभिषेक ठाकुर। बच्चों को दान में देते हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाल वर्ग 8वीं तक कंपटीशन होता है, यह अभी 6ठी कक्षा में है। और बाल वर्ग में ये और इससे भी आगे जाने तक का प्रयास करेंगे और आपसे भी ऐसी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। धन्यवाद जी। मेरे को शाबाशी चाहिए और कुछ नहीं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी
दुख भागवे। ओम शांति शांति शांति।